और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में काफी लंबे समय के बाद राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग में सीएम योगी की छाप दिख रही है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद राज्य महिला आयोग का गठन कर दिया गया है। बीजेपी नेता बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के गठन में सीएम योगी आदित्यनाथ की छाप दिखाई पड़ रही है। आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई बबीता चौहान ठाकुर बिरादरी से हैं। वो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने ही उनके नाम को आगे किया है। आयोग की दूसरी उपाध्यक्ष चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो गोरखपुर की मेयर रही मंजू चौधरी की बहू हैं। वहीं कांग्रेस में मीडिया पैनलिस्ट रही प्रियंका मौर्या को आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा एमएलसी सरोजनी अग्रवाल की बेटी हिमानी अग्रवाल, बलिया की सुनीता श्रीवास्तव, लखनऊ की अंजू प्रजापति, कानपुर की पूनम द्विवेदी, कानपुर की अनिता गुप्ता, झांसी की अनुपम सिंह लोदी, लखनऊ की रितु शाही समेत 25 महिलाओं को सदस्य बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर विजयवाड़ा पर पड़ा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश में बाढ़ से मची तबाही की हैं, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। घर, सड़क, रेलवे ट्रैक, फसल सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान आधे से ज्यादा पानी में डूबे हैं। कुछ इलाकों में तो सड़कों का नामो निशान ही मिट गया है। कई इलाकों में हालात इतने गंभीर है कि वहां रेस्क्यू टीमों का पहुंचना मुश्किल है। ऐसे इलाकों में ड्रोन की मदद से खाना, पानी और मेडिकल का सामान पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर्स के जरिए प्रभावित इलाकों में भोजन, पानी और दूसरे जरूरी सामान बांट रही है। लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं। We are able to reach last mile, and my idea is I want to reach every person. Justice has to be done for everyone. First priority for us to give food for everybody. बाढ़ प्रभावित लोग भी हालात को खतरनाक बता रहे हैं। और वहीं तेलंगाना में भी कुदरत की तबाही जारी है। लोग बेबसी बढ़ती जा रही है। इस बीच एक आदिवासी परिवार पहाड़ी पर रेस्क्यू के इंतजार में। ये रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। हाहाकार के बीच बाढ़ में फंसे चेंचू जनजाति के कई सदस्यों को नगर कुन्नूर और नलगोंडा जिलों की पुलिस ने रेस्क्यू किया। दो बच्चों समेत ये आदिवासी बाढ़ग्रस्त डिंडी धारा में फंस गए थे। उन्होंने एक पहाड़ी पर शरण ले रखी थी और मदद का इंतजार कर रहे थे। पुलिस टीम ने ड्रोन की मदद से फंसे हुए इन लोगों का पता लगाया और फिर रस्सियों और देसी नावों की मदद से राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग नदी में मछली पकड़ने के दौरान बाढ़ में फंस गए थे। इस बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अकेरू नदी की बाढ़ में जान गंवाने वाले नूनावात मोतीलाल और उनकी बेटी अश्विनी के घर का दौरा किया और परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज का गेट नाव के टकराने की वजह से डैमेज हो गया, जिसके बाद बने हालात से निपटने के लिए बैराज के सभी गेट खोलने पड़े और लाखों क्यूसेक पानी समंदर में छोड़ा गया। बाढ़ में बहकर आई नावों की चपेट में आने से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज के गेट का हिस्सा डैमेज हो गया। जानकारी के मुताबिक ऊपर की ओर से बहकर आई कुछ टूरिस्ट और यात्री नावें बैराज के गेट नंबर 69 से टकरा गई और वहीं फंस गई। नावों के कारण बाढ़ के पानी का निकास नहीं हो पाया, जिससे गेट पर दबाव बढ़ गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रकाशम बैराज का दौरा किया और हालात का जायजा लेकर तुरंत बैराज की मरम्मत के निर्देश दिए, जिसके बाद से बैराज की मरम्मत का काम जारी है। अधिकारियों ने हालात से निपटने के लिए बैराज के सभी 70 गेट खोलकर करीब 1.25 लाख क्यूसेक बाढ़ का पानी बैराज से समंदर में छोड़ दिया है। दोनों राज्य बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आम जनता के बीच में है। केंद्र सरकार लगातार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि पानी तो घरों से निकल रहा है, मगर दूसरी तरफ जो कीचड़ जमा हो गया उनमें से आम जनता को राहत की सांस दिखाना, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है। और अब बात करते हैं गुजरात की, जहाँ महीसागर और सूरत के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात तो से निपटने के लिए प्रशासन की कोशिशें जारी हैं।
कंदारा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बांध के कुल 10 दरवाजे खुले हैं, जिनसे 13,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। लगातार पानी छोड़े जाने के बाद 128 गांव हाई अलर्ट पर हैं। देख सकते हैं कि डैम पूरी तरह से भरने में कुछ इंच ही नीचे है। बांध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। 1,33,000 क्यूसेक पानी माही नदी में छोड़ा जा रहा है। इसमें मेन स्पिलवे में 6 गेट 8 फीट खोले और एडिशनल स्पिलवे से 4 गेट 5 फीट खोल के ये पानी माही नदी में छोड़ा जा रहा है। बारिश और बाढ़ ने सूरत के क्या हालात कर दिए हैं, इस एरियल वीडियो के जरिए समझिए। जहां तक देखे, घर, सड़कें, खेत खलिहान सब कुछ पानी में डूबा है। इंसानों की बस्ती सुनसान है, पानी ही पानी है। लगातार SDRF राहत और बचाव कार्य में जुटी है। SDRF ने एक पानी में फंसे 14 लोगों को रेस्क्यू किया। ऑपरेशन अभी जारी है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच कल देहरादून में 2 लोगों को देर रात टॉस नदी से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान निकाला गया। रात का घूप अंधेरा है, नदी अपनी रफ्तार में है और उस पार 2 शख्स जिंदगी और मौत के बीच फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची और जैसे ही उफनती नदी के दूसरे किनारे पर रेस्क्यू टीम पहुंची, लोगों ने हौसला अफजाई की। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां केहरी गांव के पास दोपहर में तेज बारिश के बाद टॉस नदी उफान पर आ गई। इस बीच प्रेमनगर के 2 लोग नदी के बहाव को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जलस्तर बढ़ने के बाद उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद SDRF NDRF की टीम के साथ स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंची और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी की दूसरी छोर पर मोटे रस्से लगाए गए और फिर उसके सहारे लोगों को निकालने का ऑपरेशन चला। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों लोगों को बारी बारी से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बहरहाल मौसम विभाग ने देहरादून समेत बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिलों के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर बारिश की वजह से रास्ते बंद हैं।